हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी जर्नी फैमिली। मेरा नाम विवेक कुमार है। यहाँ पर हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडियन कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एडवेंट ऑफ पुर्तगीज के बारे में कवर कर लिया, एडवेंट ऑफ डच के बारे में जान लिया, एडवेंट ऑफ इंग्लिश के बारे में जान लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोगों ने कवर किया, जो कि लास्ट दो पार्ट में हम लोगों ने कवर किया है। आज हम लोग जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो एडवेंट ऑफ फ्रेंच इन इंडिया कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको कंटेंट्स दोनों भाषाओं में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बाकी लोग को भी ज्वाइन कराएं इस लेक्चर्स को अटेंड करने को लेकर के। बहुत ही सरल शब्दों में सारी चीज़ें समझाता हुआ चलूँगा, ताकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होता हुआ चले और आप अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर सकें। ठीक है, तो एडवेंट ऑफ फ्रांस इन इंडिया के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने सभी यूरोपियन कंपनीज़ के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन यूरोपियन कंपनी भारत में किस किस टाइम पे आई थी, तो सबसे अंतिम में आने वाली जो जो कंपनी थी वो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी थी। रीज़न इनका ये था कि बाकी यूरोपीय शक्तियों के तुलना में फ्रांसीसी शक्ति जो थी भारतीय तट पर सबसे आखिर में पहुंची, सबसे देर में पहुंची, सबसे पहुँचने में सबसे टाइम लगा। क्यों टाइम लगा? क्योंकि फ्रांसीसी 17वीं शताब्दी में के उपरांत 17वीं शताब्दी के पूर्व युद्ध तक मेदागास्कर आदि क्षेत्रों में व्यस्त थी, मेदागास्कर वाले एरिया में व्यस्त थी, और इसी के वजह से इसको इंडिया में पहुँचने में सबसे ज़्यादा समय लग गया है। ठीक है, तो लुईस 14वीं के शासनकाल के टाइम पे, उस टाइम पे जो राजा थे फ्रांस के, जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के का फॉर्मेशन हुआ, उस टाइम पे जो वहाँ के शासक थे फ्रांस में वो लुईस 14 थे, ये ध्यान रखिएगा। तो उनके शासनकाल में फ्रांसीसी इतिहास में कई घटनाओं के क्रम में एक मंत्री कॉलबर्ट, क्या नाम था उनका, कॉलबर्ट, याद रखिएगा, लुईस 14 याद रखिएगा, वो कौन थे, रूलर थे वहाँ के उस समय में, जब फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ तो लुईस 14 जो थे वो शासक थे। ठीक है, लुईस 14 जो थे वो शासक थे, फ्रेंच रूलर आप कह सकते हैं, फ्रेंच रूलर थे उस टाइम पे। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके बारे में। फिलहाल ध्यान रखिए, इन्हीं के शासनकाल के दौरान मंत्री कालबट, मंत्री एक थे याद रखिएगा, मंत्री कॉलबर्ट, ठीक है, कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी FEIC, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, और ये इसी टाइम पे ही ये फॉर्मेशन किया गया था और इसको फिर भारत में भेजा गया था। एक्चुअली में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी थी, ये ध्यान रखिएगा, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी? गवर्नमेंट कंपनी थी, ये ध्यान रखिएगा, और यही रीज़न था इसके पतन में, भारत में जो इनका पतन हुआ गवर्नमेंट कंपनी के वजह से ही, यही इनका सबसे बड़ा रीज़न था, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी थी, ये अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करने में असमर्थ थी, ये इनको हर एक चीज़, जो भी चीज़ें, जो एक्टिविटीज़ इनको करना था, वो सारी की सारी एक्टिविटी जब तक गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलता था, तब तक वो सारी एक्टिविटीज़ वो भारत में नहीं कर सकते थे, तो ये बाउंडेशन में फंसे हुए थे। ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग कोई काम नहीं कर सकते थे, और यही इनका सबसे बड़ा रीज़न था भारत में और होने को लेकर के। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1664 में, यह बात ध्यान रखते चलिएगा। ठीक है, 1667 में फ्रांसीसी कैरोन के द्वारा, 1667 में, 1667 में फ्रांसीसी कैरोन के द्वारा, इसको लिख लीजिए, फ्रांसिस कैरोन की अध्यक्षता में, कैरोन की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा, मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करा रहा हूं, आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। एक अभियान दल भारत भेजा गया, ये ध्यान रखिएगा, भारत पहुंचा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सबसे पहला जो इनका फैक्ट्री स्थापित किया गया था, फर्स्ट फैक्ट्री जो एस्टैब्लिश किया गया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, जो पहला फैक्ट्री था, याद रखिएगा, फर्स्ट फैक्ट्री जो स्थापित किया गया, एस्टैब्लिश किया गया वो कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया, याद रखिएगा, ये सूरत में एस्टैब्लिश किया गया। कब एस्टैब्लिश किया गया? ये आपका पहला कारखाना, इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना को स्थापित किया 1668 को, ये ध्यान रखिएगा। पहला कारखाना जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से स्थापित किया गया भारत में, वो 1668 में इसको स्थापित किया गया। ठीक है,
ठीक एक साल के बाद 1669 में फ्रांसिसियों के द्वारा भारत के पूर्वी तट पर एक मसूलीपट्टनम कहाँ है? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, वहाँ पे भी एक कारखाना को स्थापित किया गया। कारखाना यानी फैक्ट्री को स्थापित किया गया, कारखाना को स्थापित किया गया, ठीक है, स्थापित किया गया, ठीक है, 1669 में, ठीक है, क्लियर, याद रहेगा, क्लियर। 1673 की अगर हम लोग बात करें, 1673 याद रखिएगा, 1673 चार साल के बाद अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंको मार्टिन के नेतृत्व में, फ्रेंको मार्टिन याद रखिएगा, फ्रेंको मार्टिन मार्टिन जो संस्थापक थे, ठीक है, फ्रेंको मार्टिन के नेतृत्व में पौंडीचेरी का विकास आरंभ हुआ। पौंडीचेरी फ्रेंको मार्टिन के नेतृत्व में पौंडीचेरी का विकास शुरू हुआ, विकास आरंभ हुआ, आरंभ हुआ, आरंभ हुआ। क्या बात कही जा रही है? देखिए, पौंडीचेरी पहले फ्रांस के कंट्रोल में नहीं था। एक साल पहले यानी 1672 में एडमिरल डे ने गोलकोंडा के सुल्तान से ये बेसिकली छीन लिया था, और फ्रेंको मार्टिन ने शेर खान लोदी से एक छोटा सा क्षेत्र पौंडीचेरी को प्राप्त किया था 1673 में ही, और उसी टाइम पे ही यह पौंडीचेरी का विकास आरंभ हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो पौंडीचेरी जो है, पौंडीचेरी जो एक छोटा सा क्षेत्र जो प्राप्त हुआ है फ्रांस को, ये प्राप्त हुआ है जब फ्रेंको मार्टिन ने शासक शेर खान लोदी से ये वाला क्षेत्र जो है वो प्राप्त किया था उनको हरा करके, ठीक है। कहाँ पे? वालीकोंडापुरम, याद रखिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंको मार्टिन ने डिफीट किया था, हराया था, डिफिटेड शेर खां लोदी को, ठीक है, शेर का लोदी को पराजित करके, कहाँ पे ये पराजित किया गया था? वलीकोंडापुरम के ये शासक थे, ये रूलर थे, ये यानी कि का शासक थे शेर खां लोदी, और उनको उनसे ये छोटा सा क्षेत्र पौंडीचेरी को इन्होंने प्राप्त किया था फ्रेंको मार्टिन, और फ्रेंको मार्टिन के नेतृत्व में ही पौंडीचेरी का फिर विकास यहाँ पे आरंभ हुआ, ठीक है। जबकि 1698 में, 1673 में पौंडीचेरी आपका किसके पास था? फ्रांस के पास था। 1698 की अगर हम लोग बात करें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी को फ्रांस से छीन लिया था, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया था, कब्जा कर लिया था, छीन लिया था, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया था, लेकिन लेकिन डचों ने इसको पौंडी छीन लिया था, लेकिन इसको वापस से प्राप्त कर लिया गया था बाद में, फ्रांस के द्वारा वापस से पौंडीचेरी को प्राप्त कर लिया गया था, ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, आई होप ये थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने एक ओवरव्यू पढ़ा है, हम लोगों ने सिर्फ फ्रांस का किस तरह से जब वो भारत में आगमन हुआ था तो क्या क्या चीज़ें हुई थी, कहाँ कहाँ पर उन्होंने पहला फैक्ट्री स्थापित किया था, ठीक है, ये वाला पॉइंट्स याद रख लीजिएगा, ये वाला पॉइंट याद रख लीजिएगा, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखते चलेगा। और मंत्री कॉलबर्ट के द्वारा 1664 में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, फॉर्मेशन हुआ, और ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, ये बात ध्यान रखते चलेगा, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं, फ्रांस एंड इंडिया के बारे में जानते हैं डिटेल में सारी बातों को, अभी तो हम लोग ने ओवरव्यू पढ़ा था, आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है। पहले आप देख लीजिए एरिया, आप थोड़ा सा देख लीजिए कौन कौन सा एरिया फ्रांस के अंडर में था। अगर हम लोग 18वीं सेंचुरी की बात करें, ठीक है, 18वीं सेंचुरी में आप देख सकते हैं ये सारे एरिया जो थे आपके फ्रांस के अंडर में थे। फ्रांस पोजीशन 18 सेंचुरी, फ्रांस सेटलमेंट आफ्टर 1815। आप देख सकते हैं 18वीं सेंचुरी में फ्रांस के पास कौन कौन सा एरिया बचा था संपत्ति, और फिर 1815 के बाद आपके ये एरिया जो था वो फ्रांस के पास बचा हुआ था। माहे हो गया, पौंडीचेरी हो गया, क्रैकल हो गया, यनम हो गया, ये सारे एरिया उनके पास थे, ठीक है। 18वीं सेंचुरी तक ये ग्रीन वाला, 18वीं सेंचुरी के अंत तक आपके पास ये वाला, और फिर 1815 के बाद कौन कौन जगह पे फ्रांस का शासन हुआ करता था, ये पौंडीचेरी क्रैकल माहे यनम के पास हुआ करता था, ठीक है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो
तो फ्रांस भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश क्षेत्रफल के दृष्टि से यूरोपीय संपत्ति में सबसे छोटे थे। अगर यूरोपियन पोजीशन की बात करें, यूरोपियन में जितना इनके पास संपत्ति था यूरोप में फ्रांस के पास, और उसके उसका अगर हम लोग कंपेयर करें भारत में फ्रांस की संपत्ति को लेकर के, तो भारत में फ्रांस की संपत्ति बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत छोटा संपत्ति भारत में फ्रांस का हुआ करता था यूरोप के कंपेरिजन में, यूरोप में जितना संपत्ति फ्रांस के पास था, ठीक है, एरिया वाइज अगर हम लोग बात करें। ऑल द फ्रेंच कॉलोनियलियम कॉलोनियलिज्म वाज ओवरकम बाय इट्स ब्रिटिश एडवर्सरीज। यद्यपि फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को उसके ब्रिटिश विरोधियों ने पराजित कर दिया, ऑब्वियस ही बात है फ्रांस कॉलोनियलिज्म जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता रहा, और फ्रांस पे जो जो क्षेत्र पे जो इंडिया में जहाँ पे फ्रांस का कब्जा हुआ करता था उन सभी एरिया को यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा छीन लिया गया था। दे नेवर्थलेस प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एक्सेलरेटिंग द कॉलोनियलिज्म ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यानी उन्होंने फिर भी उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के उपनिवेशीकरण में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। और फ्रेंच वाज द लास्ट यूरोपियंस टू अराइव इन इंडिया। फ्रांसीसी भारत में आने वाले सबसे अंतिम यूरोपीय थे, जो कि हम लोग ने पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ओरिजिन कहाँ पे हुआ फ्रांस कॉलोनियलिज्म को लेकर के, भारत में फ्रांस उपनिवेशवाद की उत्पत्ति कैसे हुई भारत में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पे करते हैं। तो फर्स्ट फ्रांस वेंचर टू इंडिया वाज अराउंड 16th सेंचुरी व्हेन एक्सपेडिशन वेयर सेंट टू इंडिया फॉर ट्रेड पर्पज। देखिए मैंने आपको बताया ही था, अभी हम लोगों ने लिखा भी था कि पहला जो फ्रांस था भारत के लिए पहला फ्रांसीसी उद्यम 16वीं शताब्दी के आसपास था, जब व्यापार उद्देश्य के लिए भारत में अभियान भेजे गए थे। भारत में अभियान कब भेजे गए थे, 1668 में, अभी लिखवाया ना, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी हम लोगों ने कि 1667 में फ्रांसीसी कैरोन की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा था व्यापार को लेकर के, व्यापार करने को लेकर के, कब भेजा गया था 1667 में, ठीक है 1667 में। नॉट ऑल ऑफ देम वेर सक्सेसफुल, जितने भी दल यहाँ पे भेजे गए थे सभी के सभी सफल नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग उस समय किसका शासन चल रहा था, लुईस 14, हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, लुईस 14 के शासनकाल के दौरान राजा के प्रसिद्ध मंत्री कॉलबर्ट ने, देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कॉलबर्ट, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कॉलबर्ट के द्वारा फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की 1664 में फॉर्मेशन की गई, और इसमें राजा ने भी गहरी रुचि दिखाई थी। प्रसिद्ध मंत्री कॉलबर्ट किसके शासनकाल के दौरान, लुईस 14 के शासनकाल के दौरान, अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है ना, देखिए मैंने आपको सब ओवरव्यू में बता दिया है। मंत्री कॉलबर्ट किसके शासनकाल के दौरान, फ्रांस के शासक मंत्री उनके शासनकाल के दौरान मंत्री कॉलबर्ट के द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी थी, एक सरकारी कंपनी थी, इससे बेसिकली जो राजा थे उनको भी इससे फायदा होने वाला था, तो ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने भी इसमें बहुत गहरी रुचि दिखाई है, और व्यापार करने को लेकर के पहला दल यहाँ पे 1667 में भेजा गया था, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कवर किया। लुईस 14 के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, लुईस 14 जो थे, ठीक है, लुईस 14 जो थे उस समय में बेसिकली वहाँ के फ्रांस के शासक हुआ करते थे। लुईस जो नाम था, मैं आपको बता दूँ, लुईस जो था वो बेसिकली टाइटल था, ये टाइटल दिया जाता था किसको, फ्रांस के रूलर को, ठीक है, ये टाइटल दिया जाता था जो फ्रांस के जो शासक हैं, फ्रांस के शासक को ये टाइटल दिया जाता था जिनका शासनकाल चलता था लुईस। और लुईस 14 के द्वारा हमेशा एक बात कही जाती थी, क्या बोली जाती थी इनके द्वारा, थोड़ा सा समझिएगा, आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स आर लॉ। यानी मैं एक राज्य हूँ और मेरे द्वारा कथित जितने भी कथन हैं वो सारे किसी कानून से कम नहीं हैं, मेरे शब्द जो है वो एक कानून है, ये बात इनके द्वारा कही जाती है, जो मैंने बोल दिया वो एक कानून बन गया और उसको सभी को मानना है, ये लुईस 14 के शब्द हुआ करते थे, उनके द्वारा हमेशा ये बात कही जाती थी, आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स आर लॉ, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। फ्रांस की अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट पावरफुल गवर्नर, याद रखिएगा सबसे शक्तिशाली जो गवर्नर हुआ करते थे फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी में,
फ्रांस में, तो वो हुआ करते थे डुप्लेक्स। याद रखिएगा, आगे नाम आएगा, ये नाम याद रखते हो चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है डुप्लेक्स। याद रखिएगा, सबसे शक्तिशाली गवर्नर फ्रांस के तरफ से जो हुआ करते थे वो डुप्लेक्स हुआ करते थे। ठीक है, क्लियर, डन डन। 1664 में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना तो हुआ था, लेकिन वो उस समय बहुत ज़्यादा कमजोर थी। 1720 में इसकी इसकी पुनर्गठन हुई, कंपनी की पुनर्गठन हुई, और फिर इसकी स्थिति जो है वो बेहतर हुई थी, बेहतर हुई थी। पहला एक्सपेडिशन टू इंडिया, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, फ्रैंकोइस कैरन, फ्रांसीसी गवर्नर के नेतृत्व में भारत का पहला अभियान, फ्रैंकोइस कैरन। अभी हम लोगों ने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, फ्रांसीसी कैरॉन की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा, लिखवाया है ना। ये सब ओवरव्यू में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, पहले से आप थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों को पता रहे। तो फ्रांसीसी फ्रांकोइस कैरॉन, याद रखिएगा, के नेतृत्व में भारत का पहला अभियान यानी पहला दल 1667 में कहाँ पहुंचा, भारत के सूरत में पहुंचा। और मैंने आपको ये भी लिखा है कि पहला जो फैक्ट्री स्थापित किया गया था फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से, वो कहाँ पे स्थापित किया गया था, वो स्थापित किया गया था सूरत में। वो कहाँ पे स्थापित किया गया था, वो स्थापित किया गया था सूरत में। ठीक है, और उपमहाद्वीप में पहली व्यापारिक चौकी सूरत की स्थापना की। ठीक है, 1669 में, ये ध्यान रखिएगा, 16 ये याद रहेगा, 16 ये पहला फैक्ट्री जो है, पहला कारखाना जो है, वो स्थापित कहाँ किया गया था, सूरत में किया गया था 1668 में। याद रखिएगा, ये जो स्थापित किया गया था कहाँ गया, ये 1668 में, पहला सूरत में जो स्थापित किया गया था 1668 में स्थापित किया गया था। 1669 में मसूली पट्टनम, ठीक है, मसूली पट्टनम में एक और कारखाना को स्थापित किया गया एक साल के बाद। ठीक है, दूसरा कारखाना जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया, ये आपका स्थापित किया गया मसूली पट्टनम। कहाँ पे है ये मसूली पट्टनम, ये मसूली पट्टनम है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ये ध्यान रखिएगा, मसूली पट्टनम 1669। 1673 के, देखिए 1673 आ गया, टाउनशिप एट चंदन नगर नियर कलकत्ता वाज इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, चंदन नगर के बाद यहाँ पे कही जा रही है, तो ये ध्यान रखिएगा 1673 में चंदन नगर नियर कलकत्ता में स्थापित किया गया टाउनशिप। ठीक है, फ्रांसिसी ने बीजापुर यहाँ पे टाउनशिप को स्थापित की गई थी। द सेम ईयर फ्रांस एक्वायर्ड द एरिया ऑफ पॉन्डिचेरी फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। अभी हम लोग ने कवर किया था सुल्तान ऑफ बीजापुर, ठीक है, शासक थे तो फ्रैंको मार्टिन के द्वारा 1673 में ही पॉन्डिचेरी का एरिया को एक्वायर कर लिया गया था सुल्तान ऑफ बीजापुर। कौन थे सुल्तान ऑफ बीजापुर, शेर खान लोदी से एक छोटा क्षेत्र पुडुचेरी को यहाँ पे प्राप्त किया गया था, और यहाँ पे पुडुचेरी कॉलोनी को स्थापित किया गया 1674 में। तो आप देख सकते हैं 1674 में यहाँ पे पौंडीचेरी कॉलोनी की स्थापना की गई। तो ये सारी बातें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्टार्टिंग इस वीडियो के दौरान। ठीक है, क्लियर हो गया, ईयर वाइज ईयर आपको सभी चीज़ें क्लियर हो रही है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें स्थापित हुई थी। कॉलोनी की अगर हम लोग बात करें, ध्यान से समझिएगा, फ्रांस की जो कॉलोनी थी वो कहाँ कहाँ पर थी, थोड़ा सा वो भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। फ्रांस की जो कॉलोनी थी, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कॉलोनी थी वो कहाँ कहाँ पे थी, तो ये याद रखिएगा, एक माहे में थी, एक यमन में थी, एक चंदन नगर कहाँ पे है, कलकत्ता में है। ठीक है, और पुडुचेरी, इन सभी जगह पे कॉलोनी थी। ठीक है, माहे, यमन, चंदन नगर और पुडुचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी भी आप कह सकते हैं, यहाँ के फ्रैंको मार्टिन जो थे वह संस्थापक थे। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का विस्तार कैसे हुआ, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो पौंडीचेरी के पहले गवर्नर कौन थे, फ्रैंकोस मार्टिन। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि फ्रांसीसी फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में पौंडीचेरी का विकास आरंभ हो गया था 1673 की अगर हम लोग बात करें तो, और उन्हीं तरफ से बहुत सारे प्लान, सीरीज ऑफ प्लान्स को उन्होंने स्थापित किया इनक्लेव के पास में। तो फ्रैंकोइस मार्टिन ने इनक्लेव को एक प्रमुख व्यापारिक शहर में बदलने की योजनाओं की एक श्रृंखला की स्थापना की, एक सीरीज का उन्होंने स्थापना किया, लेकिन इनमें से कुछ योजनाओं को डच और अंग्रेजी के बीच आंतरिक संघर्ष के कारण रोक दिया गया। लेकिन उनमें से बहुत सारे कुछ ऐसे प्लान थे जो बेसिकली होल्ड पे चले गए, कि रोकना पड़ा, जो कि कॉन्फ्लिक्ट आपका डच और इंग्लिश के बीच में चल रहा था जिसके वजह से। ठीक है, डच इवन मैनेज टू टेक पॉन्डीचेरी इन 1693,
यानी सितंबर 1697 में रिस्विक की संधि के बाद डचों ने पौंडीचेरी को वापस फ्रांस को सौंपने से पहले 1693 में पौंडीचेरी पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल की। ठीक है, तो डच इवन मैनेज टू टेक पौंडीचेरी इन 1693 बिफोर हैंडिंग इट बैक टू द फ्रेंच फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ रिज्विक। रिज्विक की संधि, ये रिज्विक की संधि कहाँ पे? देखिए, मैंने आपको बताया था फ्रांस का स्थापना जो था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1664 में हो गया था, लेकिन उनका पूरी तरह से पुनर्गठन जो था, क्योंकि पहले जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत कमजोर थी, लेकिन 1720 में पुनर्गठन के बाद कंपनी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई। तो 1664 से 1720 में क्या चल रहा था? 1664 से 1720 की अगर हम लोग बात करें तो उस समय मध्य फ्रांस प्राय हॉलैंड के साथ लगातार युद्ध में व्यस्त था। कौन? फ्रांसीसी शक्ति। फ्रांसीसी शक्ति जो था वो बेसिकली 1672 से 1713 तक कहाँ पे व्यस्त था? मध्य फ्रांस में। मध्य फ्रांस जो था वो प्राय हॉलैंड के साथ, लगातार लगातार युद्ध में व्यस्त रहा, हॉलैंड, आज के डेट में इसको नीदरलैंड कहते हैं, नीदरलैंड, ये ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड। और इसी नीदरलैंड में ही ये वाला एरिया जो आप देख पा रहे हैं रिस्विक, ये रिस्विक कहाँ पे है? ये रिस्विक हॉलैंड में, ये नीदरलैंड में। तो 1697 में जब रिस्विक की संधि के बाद डचों ने पौंडीचेरी को वापस फ्रांस को सौंप दिया, 1697 में। ठीक है, क्लियर, डन, समझ में आ गया? सितंबर 1697 की बात है। ठीक है, एक और बात यहां पे बता दूं मैं, 1665 से 1695 के बीच, 1695 के बीच फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 74 74 जहाज को भारत भेजा था, लेकिन अंग्रेजों और डचों की तुलना में ये बहुत कम था, ये संख्या बहुत कम थी। उससे ज्यादा तो अंग्रेजों और डचों की, अंग्रेज तो बहुत दूर की बात है, डच की इससे ज्यादा जहाज थी। तो आप देख सकते हैं 1664 में भले ही फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हो गया था, लेकिन 1720 तक फ्रांस जो था वो बहुत कमजोर था। 1720 में पुनर्गठन के पश्चात कंपनी की स्थिति काफी ज्यादा बेहतर हो गई। 1721 में फ्रांसीसियों ने मॉरिसस पर कब्जा किया, 1721 में मॉरिसस पर कब्जा किया गया, किसके द्वारा? फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, जिससे उनकी नौसैनिक शक्ति जो थी उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई और अंग्रेजों के मुकाबले की शक्ति उन्होंने अर्जित कर ली। अब वो अंग्रेजों के, उनकी नौसैनिक शक्ति, जैसे ही फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की नौसैनिक शक्ति बढ़ी, अब वो अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए बराबर था। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? बहुत बारीकी से ईयर वाइज ईयर आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, एक चीज और है इसके पहले, 1741 में आने के पहले, 1725 को मालाबर कोस्ट पर कब्जा किया गया। ठीक है, 1725 में किसके? फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मालाबर कोस्ट पर। और 1739 में कराईकल, कराईकल पर कब्जा किया गया, कराईकल मलबार कोस्ट कहाँ पे? आपको थोड़ा सा एक बार मैप में दिखा देता हूँ ताकि क्लियर होता हुआ चले। कराईकल, ठीक है, तो ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो उस पर कब्जा किया गया, मालाबार कोस्ट, गोवा वगैरह के आसपास जो था, माहे के आसपास आपको कब्जा किया गया फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1741 में फ्रांस वाज मेनली इंटरेस्टेड इन कमर्शियल वेंचर। देखिए, फ्रांस जो भारत आया था वो बेसिकली कमर्शियल पर्पज से भारत आया था, यानी यहाँ पर फ्रांसीसी मुख्य रूप से यनम, माहे, कराईकल जैसे क्षेत्रों को शांतिपूर्वक प्राप्त करने वाले वाणिज्यिक उद्भवों में रुचि रखता था। ठीक
ठीक है, एक्वायर्ड सच अ यनम माहे कराइकल द टाउन ऑफ पॉन्डिचेरी बिगेन टू एक्सपेंड एंड सून बिकेम अ रिच ट्रेडिंग टाउन अंडर एबल गवर्नर्स लाइक पेरक क्रिस्टोफे ली नायर। यानी पॉन्डिचेरी शहर का विस्तार होना शुरू हुआ और जल्द ही यह पियरे क्रिस्टोफ ले नायर जैसे सक्षम राजपालों के अधीन एक समृद्ध व्यापारिक शहर बन गया। 1741 की बात की जा रही, 1741 में जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स भारत आए, ठीक है, 1741 में जोसेफ फ्रांसो डुप्लेक्स फ्रांसीसी क्षेत्रों के गवर्नर के रूप में भारत पहुंच। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत पेरिस में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को उदासीनता के बावजूद भारत में एक फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने की उनकी तीव्र इच्छा थी। 1741 में, ठीक है, तो 1742 की अगर हम लोग बात करें, 1742 की अगर हम लोग बात करें तो 1742 में पौंडीचेरी के जो गवर्नर थे लियोनोर, ये पौंडीचेरी के जो गवर्नर थे पियरे क्रिस्टोफे लियोनोर, और कूटनीतिपूर्ण शासन से फ्रांसीसी प्रभु सत्ता की पुनर्प्राप्ति इनको हुई थी। ठीक है, तो 1742 तक भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी गतिविधियों को व्यापार तक ही केंद्रित रखा था। इनका 1742 तक जो मोटो था वो व्यापार तक ही सीमित था 1742 तक। लेकिन 1742 ईस्वी के बाद फ्रांसीसियों की नीति में परिवर्तन हुआ, उन्होंने अपना उद्देश्य साम्राज्यवाद का विस्तार करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया भारत में। तो 1742 तक उनका जो मोटो था, उनका जो एम था, उनका जो लक्ष्य था, वो भारत में फ्रांसीसियों का यहाँ पे व्यापार तक ही केंद्रित था, व्यापार तक ही उनका सीमित था 1742 तक। लेकिन 1742 के बाद उन्होंने अपना उद्देश्य जो था वो कॉलोनीज को स्थापित करना, यानी साम्राज्यवाद को स्थापित करने में, विस्तार करने में उनका एम हो गया, कन्वर्ट हो गया 1742 के बाद। ठीक है, तो 1742 के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच औपनिवेशिक साजिश, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलोनियल इंट्रीग्यूज बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रांस। डिस्पाइट डुप्लेक्स डिसमिसल, डुप्लेक्स की बर्खास्तगी के बावजूद अन फ्रांस के गवर्नर अपना काम जारी रखने के इच्छुक थे, यानी अदर फ्रेंच गवर्नर्स वर मोर देन विलिंग टू कंटिन्यू हिज वर्क, दे एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस इन बंगाल, बंगाल में उन्होंने अपना विस्तार किया, और विच वॉज अ ब्रिटिश स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसपे अंग्रेजों का यहाँ पे कब्जा हुआ करता था, बंगाल में अपने प्रभाव को विस्तार किया जो कि एक ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र था, ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र में अपने अपने व्यापार को, अपने एरिया को वो एक्सपेंड करने का प्रयास बंगाल में करना स्टार्ट कर दिया। इट इवेंचुअली रिजल्टेड इन द फ्रांस एंगेजिंग नवाज सिराजुद्दौला टू अटैक फोर्ट विलियम इन कलकत्ता लीडिंग टू बैटल ऑफ प्लासी। इस परिणाम स्वरूप क्या निकल कर के आया, बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का युद्ध परिणाम स्वरूप अंततः फ्रांसीसी ने नवाब सिराजुद्दौला को कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर हमला करने के लिए 1757 में प्लासी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। फ्रांसीसी और उनके सहयोगियों की ओर हार के परिणाम स्वरूप बंगाल का पूरा प्रांत सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। यह घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म देगा जो अंततः पूरे उपमहाद्वीप को ब्रिटिश नियंत्रण में ले जाएगा। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी अगर हम लोग बात करें तो 1757 में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसकी युद्ध हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, हम लोग आने वाले, देखिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको हर एक युद्ध को इंडिविजुअल लेक्चर्स में यहाँ पे क्रिएट करूंगा, यानी कर्नाटक वार का, फर्स्ट कर्नाटक वार, सेकंड कर्नाटक वार, थर्ड कर्नाटक वार हम लोग डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी एडवेंट ऑफ फ्रेंच खत्म होगा, इसके बाद आपका कर्नाटक वार का लेक्चर आएगा, डिटेल में हम लोग उसको कवर करते हुए चलेंगे। कर्नाटक वार वगैरह जो है वो हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से आपको बताता हुआ चलूंगा, डिटेल में सारी बातें क्लियर करता हुआ चलूंगा, बस आपको ध्यान से सारे लेक्चर्स वगैरह कवर करते हुए चलने। तो बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें, ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ बैटल ऑफ प्लासी का, ताकि आपको थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी की अगर हम लोग बात करते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बैटल ऑफ प्लासी, तो ये प्लासी का जो युद्ध था, प्लासी कहाँ पे, याद रखिएगा ये बंगाल में, कहाँ पे है, बंगाल में। ठीक है, प्लासी का युद्ध, ये युद्ध जो हुआ था, ये युद्ध हुआ था 23/6/1700,
57 को हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो युद्ध हुआ था BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, और आपका सिराज उद दौला, सिराज उद दौला के बीच में हुआ था। सिराज उद दौला कौन थे? सिराज उद दौला कौन थे? ये नवाब थे, नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, सिराज उद दौला कौन थे? नवाब ऑफ बंगाल। इन्होंने, अंग्रेजों ने इनको क्या किया? अंग्रेजों, ये जो लड़ाई हुई, इस लड़ाई में अंग्रेजों ने डिफिट किया, डिफिटेड यानी हराया, सिराज उद दौला को हराया इन्होंने। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ जो नेतृत्व कर रहे थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे, याद रखिएगा। ठीक है, सिराज उद दौला के तरफ से कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ जो थे वो आपके मीर जाफर, मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर कमांडर इन चीफ। इन्होंने इस युद्ध, देखिए सिराज उद दौला के पास बहुत बड़ी सेना थी और मीर जाफर के होते हुए सिराज उद दौला कभी भी नहीं हारते, लेकिन मीर जाफर ने क्या किया, यहाँ पे सिराज उद दौला को धोखा दे दिया, और मीर जाफर के पास जो जो गुट था वो लड़ने गया ही नहीं, जिसके वजह से सिराज उद दौला जो है वो ये युद्ध हार गए, और ये रॉबर्ट जो मीर जाफर थे, मीर जाफर जो थे वो इनसे मिल गए। रॉबर्ट क्लाइव ने बोला तुम मेरा इस युद्ध में साथ दो, हम तुम्हें नवाब बना देंगे बंगाल का। मीर जाफर लालच में आ गया और फिर क्या हो गया, ये अपने ग्रुप को लेकर के ये युद्ध लड़ने गया ही नहीं, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराज उद दौला को हरा करके हरा दिया और ये युद्ध जीत गया। सिराज उद दौला की बात करें तो इनका शासनकाल जो था वो सिर्फ आपका 1756 से 1757 तक था। वादा के अनुसार जब सिराज उद दौला हार गया तो मीर जाफर को यहाँ का नवाब बना दिया गया, और ये नवाब जो थे वो 1757 से 1760 तक रहे थे, 3 साल के लिए, और इनको जैकल भी कहा जाता है, जैकल भी, धोखा देना। ठीक है, जैकल, जैकल किसको कहते हैं? जैकल के रूप इसको दिया गया क्योंकि इसने धोखा दे दिया अपने ही मालिक को, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, क्लियर। सियार कैसे कहते हैं? धोखा देने वाला, गीदर, सियार कह सकते हैं एक तरीके से, एंड टाइम पे धोखा देने वाला। क्लियर, सुन में आ गया? बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराज उद दौला के बीच में हुआ था। सिराज उद दौला की तरफ से कमांडर इन चीफ मीर जाफर थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये युद्ध जीत लिए थे और नवाब ऑफ बंगाल मीर जाफर को बना दिया था। ठीक है, क्लियर। फ्रांसीसी ने अपने खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन यह सब विफल रहा और 1760 में पौंडीचेरी की घेराबंदी में परिणत हुआ, परिणत हो विजय विजयी अंग्रेजों ने 1760 में फ्रांसीसी जलते हुए किले सेंट का बदला लेने के लिए पौंडीचेरी की जमीन पर जला दिया। 1758 में डेविड, देख सकते हैं, फ्रांस ट्राई टू रिकवर इट लॉट, जो हारा हुआ क्षेत्र था उसको वो वापस पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश को बाहर, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की कोशिश की, बट इन सभी का रिजल्ट जो था वो सब क्या रहा, विफल रहा, और 1760 में पौंडीचेरी की जो घेराबंद इनके द्वारा की गई। ठीक है, विक्टोरियस ब्रिटिश बर्नड पौंडीचेरी टू द ग्राउंड इन 1761 इन रिवेंज फॉर द फ्रेंच बर्निंग फोर्ट सेंट डेविड इन 1758। फ्रांस के द्वारा जो किला इनके द्वारा जलाया गया था सेंट डेविड 1758 को, फ्रांस के द्वारा यहाँ पे फ्रांसीसी जलते हुए किले सेंट का बदला लेने पौंडीचेरी को जमीन पर जला दिया। तो आप देख सकते हैं फ्रांस के द्वारा सेंट डेविड किला को 1758 में जलाया गया था, और उसी का रिजल्ट यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा पौंडीचेरी भी आपका 1761 में बदले के रूप में जला दिया गया। पौंडीचेरी फाइनली फ्रांस के मिल गया 1763 में, और रिजल्ट फ्रॉम द ग्राउंड अप या जमीन से ऊपर का परिणाम था। 69 द फ्रांच क्राउन रियलाइज इट वॉज टू एक्सपेंसिव लेटिंग द फ्रांच ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन। फ्रांस क्राउन के द्वारा यानी फ्रांसीसी ताज यानी फ्रांसीसी सरकार के द्वारा महसूस कर लिया गया था 1769 में कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना संचालन जारी रखने में यह बहुत महंगा पड़ रहा था, और इसी प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया और इस अपने मिशन को यहीं पर उनके द्वारा अबॉलिश करना स्टार्ट कर दिया गया।
फ्रांसीसी पोजीशन वे नाउ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जितने भी फ्रांसीसी संपत्ति थे अब सरकार के सीधे नियंत्रण में थे, ये ध्यान रखिएगा, सरकार के सीधे नियंत्रण में थे। और यहीं से फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, किसका, उपनिवेशवाद का पतन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक चीज़ और है जो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, याद रखिएगा, होमवर्क दिया था मैंने आप लोग को, याद होगा आपको, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध से पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। ठीक है, वो घटना एक ट्रेजेडी हुई थी, वो ट्रेजेडी आपको, आपसे मैंने पूछा भी था कमेंट सेक्शन में, किसी का आंसर नहीं आया, मैं आपको बता दूँ, एक ट्रेजेडी हुई थी, वो ट्रेजेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेजेडी हुई थी 20 जून 1756 को, लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए 20 जून 1756 को। इस ट्रेजेडी का नाम क्या था, ब्लैक होल ट्रेजेडी। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काल कोठरी की घटना, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, काल कोठरी की घटना के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, यहां पे क्या हुआ था, सिराज उद्दौला कौन थे, नवाब थे। कहां के नवाब थे, बंगाल के नवाब थे। कैप्चर्ड, इनके द्वारा कैप्चर किया गया, हिरासत में लिया गया 146 इंग्लिशमैन को, 146 इंग्लिशमैन को इन्होंने कब्जा में लिया 1756 को, 1756 को इन्होंने 146 इंग्लिशमैन को इन्होंने कब्जा में लिया। ठीक है, और फिर क्या किया, कहां से कब्जा में लिया, कासिम बाजार कहाँ पे है, कलकत्ता में। एंड पुट देम इन स्मॉल रूम, एक छोटे से कमरे में इनको बंद कर दिया। ठीक है, छोटे से कमरे में इनको बंद कर दिया। कमरा का साइज कितना होगा, 14 से 18 फिट होगा, 14 × 18 फिट, 14/18 फिट। ठीक है, और उनको बंद कर दिया, 146 इंग्लिशमैन को छोटे से कमरे में बंद कर दिया उन्होंने। अगले दिन, नेक्स्ट डे उन्होंने दरवाजा खोला। सिर्फ 23 लोग जिंदा थे, बाकी दम घुटने के वजह से मर गए, डाइड ड्यू टू सफोकेशन, यानी दम घुटने के वजह से बाकी लोगों की जान चली गई। सिर्फ और सिर्फ 146 में कितने लोग जिंदा बचे, 23 लोग जिंदा बचे, समझ सकते हैं। इस घटना के बारे में किन्होंने बताया था रॉबर्ट क्लाइव को, इम्पॉर्टेंट है। 23 लोग में एक का नाम था हॉलवेल, याद रखिएगा, 23 लोग में एक का नाम क्या था, हॉलवेल। इन्हीं के द्वारा नरेट किया गया, नरेटेड द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में रॉबर्ट क्लाइव को बताया गया। कौन बताया, रॉबर्ट क्लाइव को, हॉलवेल। ठीक है, तो ये काल कोठरी की घटना है, आई होप आपको ये पता होगा, नहीं पता होगा तो इसको ध्यान में रखिएगा। 20 जून 1756, यानी एक साल पहले, प्लासी के युद्ध के एक साल पहले ये घटना हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, सिराज उद्दौला के द्वारा ये घटना की गई थी। ठीक है, डन सर, मैं यही मैंने होमवर्क दिया था, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इस घटना के बारे में बात कर रहा हूँ। अब पतन के बारे में बात करते हैं कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का पतन कैसे हुआ, असफलता का क्या क्या कारण था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाय द टाइम ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट डिफिट इन 1816, द फ्रांस हैड द फॉलोइंग एस्टेब्लिशमेंट स्टिल इन इट्स पोजिशन।
यानी 1816 में नेपोलियन बोनापार्ट की हार के समय तक फ्रांसीसी के पास निम्नलिखित प्रतिष्ठान थे जो अभी भी उनके कब्जे में थे। देखिए, फ्रांस के पास कौन कौन सा एरिया कब्जे में था? पौंडीचेरी था, चंदन नगर था, कराईकाल था, माहे था, यनम था, मछलीपट्टनम, कोचिकोड और सूरत, ये सारे आपके एरिया थे। किसके अंडर में? फ्रांस के अंडर में। ठीक है, 1816, ठीक है, 1816 में, तब तक मोस्ट ऑफ द इनक्लेव्स हैड लॉस्ट देयर फॉर्मर ग्लोरी ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ वॉर्स बिटवीन द फ्रांस एंड द ब्रिटिश। यानी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच युद्ध की लंबी अवधि के कारण अधिकांश इनक्लेव ने अपना पूर्व गौरव खो दिया था, पूर्व गौरव खो दिया था। फॉर द नेक्स्ट 138 ईयर्स, अगले 138 वर्षों तक लगातार गवर्नर्स ने उपनिवेशों के बुनियादी ढांचे में सुधार करने की कोशिश की। लगातार गवर्नर के द्वारा वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का प्रयास यहाँ पे किया गया, कॉलोनीज का, जो जो उनके कंट्रोल में था। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, विद द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के साथ फ्रांस ने अंततः भारत में अपने क्षेत्रों को छोड़ने का फैसला किया। फ्रांस इवेंचुअली डिसाइडेड टू रिलिंक्विश, यानी त्यागना, छोड़ना टेरिटरीज इन इंडिया। द लॉजेस इन मछलीपट्टनम, कौन कौन सा एरिया था? मछलीपट्टनम, कोचिकोड, सूरत में लॉज अक्टूबर 1947 में छोड़े गए थे। ठीक है, चंदनगर को 2 मई 1950 को भारत के लिए छोड़ दिया गया था। चंदनगर रिलिंक्विश्ड ऑन 2 मई 1950, इट बिकेम अ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल का हिस्सा, पश्चिम बंगाल का हिस्सा बन गया 1954 में। 2 अक्टूबर 1954 को ये बंगाल का हिस्सा बन गया। देखिए, 2 मई 1950 को इसको छोड़ा गया, लेकिन वेस्ट बंगाल का हिस्सा ये 2 अक्टूबर 1954 को बना। उसी वर्ष 1 नवंबर को पौंडीचेरी, यनम, माहे और कराईकाल को भारतीय संघ को सौंप दिया गया। उसी वर्ष पौंडीचेरी, यनम, माहे, कराईकाल भी भारत के यूनियन को सौंप दिया गया। भारत के आज़ाद होने के बाद सबसे अंतिम भारत से जाने वाले भी देख सकते हैं, फ्रांस यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे एरिया जो थे वो छोड़ दिए। अल्टीमेटली फ्रांस एंड इंडियन गवर्नमेंट फाइनली रेटिफाइड अ ट्रीटी इन 1962। अंततः फ्रांसीसी और भारतीय सरकारों ने 1962 में एक संधि की पुष्टि की, जिसने भारत संघ को क्षेत्रीय संपत्ति के हस्तांतरण की पुष्टि की। यानी जितने भी पोजेशंस थे फ्रांस के, वो सारे के सारे यूनियन ऑफ इंडिया में सौंप दिए गए फ्रांस के द्वारा। कन्फर्म्ड ट्रांसफर, संधि में यही कन्फर्मेशन दिया गया, सारे जो टेरिटोरियल उनके कब्जे में थे, पोजेशन जो थे, उन सभी को ट्रांसफर कर दिया गया यूनियन ऑफ इंडिया में। और इसी तरह से फ्रांस कॉलोनियलिज्म इन इंडिया हैड फाइनली एंडेड, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद अंततः समाप्त हो गया था। इसी तरह से फ्रांस पूरी तरह से समाप्त हो गया, भारत में जो जो क्षेत्र थे पूरी तरह से भारत में सौंप दिया गया। क्लियर? तो ये था आपका एडवेंट ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर सकें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। अगर एक इंस्टाग्राम अकाउंट है PSCJourney4, उसको फॉलो कर लीजिएगा। और मई क्लासेस के सारे PDFs आपको सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज़ में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जिनको भी PDFs की रिक्वायरमेंट हो, करेंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, वो सारे के सारे PDFs आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जिनको भी PDFs की रिक्वायरमेंट हो, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको सारे PDFs प्रोवाइड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप पे। इस अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशंस के लिए, वहाँ पे सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं करेंट अफेयर्स को लेकर के। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बाकी लोगों तक पहुँचाएं, ताकि बाकी लोग भी मॉडर्न हिस्ट्री को बारीकी से शुरू से कवर कर सकें। दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप इसको कवर कर सकें। दोनों लैंग्वेज के लोग सरल भाषा में सारे शब्दों का नोट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। किसी भी तरह का डाउट, क्वेरी, फीडबैक अगर आपको देना हो तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी प्रीवियस वीडियो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, पॉपअप करता हुआ आ रहा होगा यहाँ पे आपको साइड में मॉडर्न हिस्ट्री का, वहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिएगा, आपको प्रीवियस सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, उसको कवर करते हुए चलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।